हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 9 है। हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है क्या? देखिए स्टेटमेंट अगर इसकी देखें, अगर हमारे पास दो फंक्शन है यू और वी, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू देन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये सारा इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए डीएक्स। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने दो फंक्शंस की जब मल्टीप्लाई हो देन डेरिवेटिव कर रखा है, सेम यही है। अब जब दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, यू और वी है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। अगर उसे इस फॉर्म में लिखना चाहें, इंटीग्रेशन ऑफ, वर्ड्स में अगर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस हमारे पास, उनकी मल्टीप्लीकेशन है और हमें क्या करना है? उनका इंटीग्रेशन करना है। तो वो किसके इक्वल होगा? हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख देंगे इनटू में, किससे मल्टीप्लाई हो रही है? सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल से, इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, साथ में फिर क्या है? माइनस इंटीग्रल किसका? इनटू में यू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, इनटू में डिफरेंशियल कॉफिशियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये वर्ड्स में है सिर्फ समझाने के लिए कि आपका फर्स्ट फंक्शन यू है और सेकंड फंक्शन क्या है? वी है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन है इसलिए एक और डीएक्स लगा है। ये डीएक्स तो इस इंटीग्रेशन की है और साथ में पूरे वाले इंटीग्रेशन के लिए एक और डीएक्स है। अब यू और वी, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, हमने क्या चूज कर रहे हैं? इसके लिए पर्टिकुलर कुछ एक मेथड्स हैं कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसे चूज करना है, सेकंड फंक्शन किसे चूज करना है। मान लो दो फंक्शन ऐसे हैं जिनमें से हमें एक का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। और अगर मान लो दो फंक्शन ऐसे हैं जिनमें से हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, तो जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास दो बार हो रहा है। तो जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा उसे हम क्या मानेंगे? वी मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अगर लॉगरिथम है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये मुश्किल हो गए, इनको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कुछ ऐसा है कि एक्स की पावर में समथिंग है, दूसरा फंक्शन आपके पास इजी है, इसका इंटीग्रेशन पता है, तो हम एक्स वाले को फर्स्ट ले लेंगे, अदरवाइज हम एक्स वाले को क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। अब आपके पास इनवर्स फंक्शन भी है, आपके पास लॉगरिथम फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो कैसे चूज करेंगे? इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखिए आप, इजी हो जाता है उससे चूज करना। आइलेट, आई लेट, आई से ये आपको बताएगा कि आपने फर्स्ट फंक्शन कैसे चूज करना है। इस फॉर्मूले से आप फर्स्ट फंक्शन को देखेंगे कैसे चूज करना है। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्राइक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड द लास्ट वन ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपने कौन सा फंक्शन किससे लेना है।
अगर मान लो आपके पास इनवर्स और एक्सपोनेंशियल दोनों देखने हैं, तो आपने फर्स्ट फंक्शन इनवर्स को मानना है, ठीक है, इससे आपने चलना है। अगर एल्जेब्राइक और एक्सपोनेंशियल है तो फिर आप एल्जेब्राइक को फर्स्ट मानोगे, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का हमें पता है, एक्सपोनेंशियल का तो इंटीग्रेशन सबसे आसान होता है और दो बार इंटीग्रेशन है, तो हम जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे, बस आपने ये याद रखना है। और इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी होता क्या है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स और देन डी एक्स, ठीक है। अब इनसे हम क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन क्या है। तो उससे पहले मैं एक दोबारा आपके साथ फंक्शंस लिख लेती हूँ, क्या है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, क्या आएगा ये, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू देन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और होल फंक्शन के साथ डी एक्स। ये हम अपने हर एक फंक्शन में अब हर एक क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन क्या है आपके पास, हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, आइलेट वाला फंक्शन मैंने आपके साथ में लिख दिया है ताकि ईजी हो जाए। अब एक हमारे पास एक्स है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, और कॉस एक्स एक हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, इस टेबल के हिसाब से हमने एल्जेब्राइक को फर्स्ट लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले क्या आ रहा है, एल्जेब्राइक। तो क्या है, यू हम मानते हैं एक्स को और वी मानते हैं हम कॉस एक्स को, तो फंक्शन में साथ साथ रखे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, क्या हो गया फॉर्मूले में, यू को रिप्लेस करते हैं एक्स से और वी को सेकेंड फंक्शन को हम करते हैं कॉस एक्स से रिप्लेस, तो एक्स रिप्लेस एक्स क्या जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और देन ये हो गया डी एक्स। यही है हमारे पास यू इंटू वी, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड अगेन डी एक्स। सॉल्व कीजिए इसको, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव कॉस देन कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आना है वन और साथ में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास साइन एक्स। यहां पे आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब आप सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तब आप कॉन्स्टेंट को इग्नोर करेंगे, वहां पे हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर अब हम कांस्टेंट मेंशन करेंगे यहाँ पे तो फिर दोबारा इंटीग्रेशन होगा, हमारा आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हुए आपने कांस्टेंट नहीं लगाना है। यहाँ मैंने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया बट कांस्टेंट नहीं है, अगेन यहाँ पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे भी सी हमारे इग्नोर किया है। आगे सॉल्व कीजिए जरा इसको, एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट वाला, एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फर्स्ट हमारे पास क्या प्रायोरिटी है कि हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का बहुत अच्छे से देखना है कि हमने फर्स्ट फंक्शन क्या लेना है सेकंड फंक्शन क्या लेना है कि हमारा क्वेश्चन इजिली निकल जाए। सेकेंड वन हमने क्या याद रखना है कि जब हम सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब हमने कांस्टेंट को इग्नोर करना है, वहां पे हमने प्लस में सी यूज नहीं करना है, सारा इकट्ठा कांस्टेंट का काम आप लास्ट में प्लस सी कर देंगे फंक्शन के लास्ट वाली लाइन में, जो सारा इकट्ठा ही सी उसी में सारे ही कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी वो सारी उसी में इंक्लूड हो जानी है। अब आपको बाई चांस याद ना रहे कि हमने फर्स्ट कौन सा लेना है सेकेंड फंक्शन कौन सा लेना है, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम उल्टा मान के चलें, अगर मान लो आप यू कोस एक्स को मान लेते हैं और एक्स को वी मानते हैं देन क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही क्यों ले हम क्वेश्चन को, तो इसका आंसर तो आ गया आपको। दूसरे मेथड से निकाल के दिखा देते हैं एक बार, इसको ऐसे लिख दें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब आपके पास यू हो गया कॉस एक्स और वी हो गया एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स डी एक्स यू एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स सारे के साथ डीएक्स. इसको सॉल्व करें तो कॉस एक्स एक्स की पावर वन इसका इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस इंटीग्रेशन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ये भी पता है और एक्स का इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर टू डीएक्स. अगेन ये क्या आ गया फंक्शन हमारे पास यू इंटू वी की फॉर्म में आ गया है. पहले हमारे पास क्या थी सिर्फ एक्स की पावर वन थी और अब हमारे पास क्या आ गया एक्स की पावर टू. अगर इसी फंक्शन में हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्स की हायर पावर होती जाएगी और ऐसे तो क्वेश्चन हमारा कभी सॉल्व होगा ही नहीं. तो आपको फर्स्ट में ही पता चल जाएगा कि आपने कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको फंक्शन चूज करना ही आना चाहिए कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है. इसीलिए ही इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए आई लेट. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डीएक्स. कुछ एक बेसिक से रिलेटेड बताया था तब आपको एक पॉइंट कहा था अगर आपके पास सेकंड फंक्शन नहीं है तो आप यूनिटी को सेकंड फंक्शन मानोगे. इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू में वन डीएक्स. अब आपका यू तो किससे रिप्लेस होएगा लॉगरिथम फंक्शन से और वन किससे रिप्लेस होएगा वी वाले से. ठीक है यू होगा लॉगरिथम फंक्शन से और वी होगा वन से. सॉल्व कीजिए इसको लॉग एक्स इंटू में वन डीएक्स u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx. साथ में क्या है आपके पास dx log x 1 का इंटीग्रेशन x डेरिवेटिव ऑफ log x. log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और 1 का इंटीग्रेशन x. साथ में क्या है आपके पास dx. इसको हम क्या लिख सकते हैं x log x माइनस x से x कैंसिल आउट एंड 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. ये था जब हमारे पास सेकंड फंक्शन नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या करते हैं यूनिटी को अपनी तरफ से इंक्लूड कर लेते हैं और इसे हम सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं. तो हमारा u इंटू वी का जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस मेथड से वो इजिली सॉल्व हो जाएगा. एक और एग्जाम्पल देखिए. बस आप अगर फंक्शन को सही चूज कर लेते हैं आपको इंटीग्रेशन किसका इजी लगता है उसे आप सेकंड फंक्शन चूज कीजिए. कांस्टेंट को जब आप सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तब नहीं लगाएंगे. कुछ एक बातें हैं सेकंड फंक्शन दे नहीं रखा है तो आप यूनिटी अज्यूम कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स. अगेन एक्स हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन हम क्या लें हम एल्जेब्राइक को फर्स्ट मानेंगे. दिस इज आवर यू एंड दिस इज आवर वी. इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू में डीएक्स. अब आपको ये इंटीग्रेशन बहुत लंबा सा लग रहा होगा कितना मुश्किल इंटीग्रेशन है बट जब जब आप हर क्वेश्चन में से लिखते जाएंगे रियली में ये आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छे से है हमें तो ऐसे ही मुश्किल लग रहा था. तो हर फंक्शन में जब जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं आप ब्रैकेट में इसे लिखिए कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. वैसे जब हम इसका यूज करते हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बट जब तक आपको ये अच्छे से फॉर्मूला याद नहीं आ जाता आप ब्रैकेट में पूरा फॉर्मूला लिख दीजिएगा. अब हमारे पास क्या है एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स. यू को हमने रिप्लेस करना है एक्स से और वी को हमने रिप्लेस करना है ई की पावर एक्स से. एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स और सारे का डी एक्स. सॉल्व कीजिए एक्स ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी यही है जिसका इंटीग्रेशन भी यही होता है. तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx. x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में क्या जाएगा कांस्टेंट. ठीक है
बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं लगेंगे आपको अगर आपको ये वाला फंक्शन u इंटू वी के इंटीग्रेशन वाला, अगर इस फंक्शन का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाता है देन बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब तक आप इंटीग्रेशन के ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आपके पास एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब एक आपके पास इनवर्स फंक्शन है और एक आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो जब हम टेबल को देखें तो वी हैव टू चूज इनवर्स फंक्शन एज आर फर्स्ट फंक्शन, हमने इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, और बाकी को हम क्या चूज करेंगे, हमारा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और v क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स के। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू में डी एक्स। अब स्टेटमेंट को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि ये तो इतनी बड़ी मुश्किल से स्टेटमेंट आ गई है, नहीं, हमें क्या चाहिए, अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है, जस्ट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें देखना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो इसको पहले अलग से सॉल्व कर लेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम क्या पुट कर सकते हैं, हम पूरे फंक्शन को टी पुट करते हैं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डेरिवेटिव अगर गए तो माइनस में 2x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x डी एक्स की वैल्यू, तो माइनस का 2 है यहाँ जाएगा तो 1 बाय माइनस 2 डी टी, ये बन गया, और ये सारा फंक्शन हमारा क्या है, t ही है, तो ये सारा किस में चेंज हो गया, माइनस 1 बाय 2 डी टी अपॉन में रूट टी, और t के पावर 1 बाय 2 इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, ये क्या हमारे पास t की पावर माइनस 1 बाय 2 अपॉन में है, तो पावर कहाँ है, नेगेटिव में, इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, t की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, अगर सॉल्व करेंगे माइनस 1 बाय 2 t की पावर 1 बाय 2 अपॉन में 1 बाय 2, 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया ये, माइनस में t की पावर 1 बाय 2, बट t को जरूर रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ गया इंटीग्रेशन, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2। बहुत इजी इंटीग्रेशन है ये, मेथड आपने काफी सम्स में किया है, सिंपली क्या किया हमने, हमारे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में दिख रहा था उसे हमने t मान लिया, अगेन हमने इसका डेरिवेटिव करके सारे को t की फॉर्म में चेंज किया, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन आया, तो उसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या है, अब इस इंटीग्रेशन को बस रिप्लेस करना है जहां जहां ये इंटीग्रेशन आ रहा है, देखिए क्या आया है, साइन इनवर्स एक्स, और ये इंटीग्रेशन हमने अभी अभी निकाला है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2, साथ में क्या है, डी एक्स, ये लिख चुके हैं हम, मैं इसे रेज कर लेती हूँ। अब देखिए ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन, ये पावर क्या है, रूट में है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय 2 को तो हम रूट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्वेश्चन में भी हमारा ये रूट में रिप्लेस था, तो उसी सेंस में लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम इसे लिखना चाहें तो माइनस का साइन तो है ही, इंटू में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कैंसिल आउट,
माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास एक्स। तो ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन था। ज्यादा क्वेश्चन को देख के बहुत टिपिकल लग रहा था, कितना मुश्किल क्वेश्चन कैसे, जस्ट इजी था। हमने इनवर्स फंक्शन को यू माना और बाकी अलजेब्रिक फंक्शन को हमारा क्या मान लिया, वी मान लिया। यू इंटीग्रेशन वी का हमने फॉर्मूला लगाया। अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व कर लिया टी पुट करके और बहुत इजी में इंटीग्रेशन आ गया, सारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ सिर्फ वन बचा और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपको लगभग हर टाइप के एग्जाम्पल करा दिए हैं और ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं। द लास्ट वन एग्जाम्पल देखिए, आई यानी कि इंटीग्रेशन क्या है हमारा, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी। अगेन यू और वी फंक्शन, हम हमारा आईलेट का फंक्शन चूज करते हैं। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो इसे हम क्या लिख दें, इंटीग्रेशन में साइन एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स। जब फॉर्मूला लगाएंगे यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी, ये आई है और आई ही निकाल रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ही निकाल रहे हैं। यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डीएक्स, सारे के साथ क्या आ जाएगा डीएक्स। हर एक फंक्शन में आपको ये आई एज्यूम कर लेना है क्योंकि हम इंटीग्रेशन ही निकाल रहे हैं, इसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आई इक्वल टू साइन एक्स, अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और डीएक्स। आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस में। अब ध्यान से देखें तो अगेन हमारे पास ये यू इंटू वी का इंटीग्रेशन आ रहा है, यू और ई वी हम क्या मानेंगे, अगेन इसको क्या मान लेंगे यू और ई की पावर एक्स को क्या मान लेंगे हम वी। यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। अब तक हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हर एक समय एक बार लगाया था, कुछ एक क्वेश्चन आ जाएंगे यहां पर दोबारा भी लग सकता है, तीन बार भी लग सकता है। ठीक है, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। माइनस को बाहर ले ले, वैसे पहले ये माइनस माइनस प्लस किया था बट अगेन डेरिवेटिव में माइनस आ रहा था। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारा गिवन फंक्शन ही बन गया, जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना था वही आ गया है। तो इस सारे को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आई से। आई इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स माइनस आई। आई और आई को एक साथ ले जाएं, ये माइनस का इंटीग्रेशन है, यहाँ आएगा प्लस का, तो आई और आई ये क्या हो जाएंगे आपके पास टू आई साइन एक्स ई एक्स माइनस में कॉस एक्स ई एक्स। जब हम आई ये टू मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में, इनटू में साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स ई की पावर एक्स और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप चाहो तो ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, बट अगर इतना छोड़ दोगे तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा। दोबारा देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये और क्वेश्चन से डिफर था क्योंकि इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दो बार लगाया फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, यानी कि ई की पावर एक्स साइन एक्स दे रखा था। आईलेट के फॉर्मूला से हमें पता लग गया कि फर्स्ट फंक्शन हमने क्या लेना है, सेकंड हमने क्या लेना है। हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, सेकंड फंक्शन लिया, उसका इंटीग्रेशन किया, बट एक बार इंटीग्रेशन से हमारा आंसर नहीं आया, अगेन ये यू इंटू वी का फॉर्मूला आ गया, तो हमने दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, दोबारा से भी आंसर नहीं आ रहा था, बट एक टर्म ऐसी आ रही थी जो हमें गिवन स्टेटमेंट ही थी जिसको हमने क्या माना था
आई, तो उसे हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आई से। इंटीग्रेशन को एक साथ किया और वहां से हमने उसी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना था, यानी हमें आई की वैल्यू निकालनी थी एक तरह से, और हमने एंड में वही सॉल्व कर लिया। तो ये एग्जाम्पल से होप कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के सम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स। थोड़े से यू इंटू वी वाले थोड़े से टिपिकल सम है, तो थोड़ा सा अगर हम माइंड में देखें तो हम किसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, आई लेट के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कॉस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन ले और इसको हम हमारे सेकेंड फंक्शन ले। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का तो हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की पावर हमेशा गड़बड़ करेगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, एक्स क्यूब है एक्स, इसको क्या लिख दे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको ऐसा क्यों लिखा, अभी आपको रीजन पता लग जाएगा। हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। और यहां से अगर हम एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालें तो वो आएगी हमारे 1/2 dt। ठीक है, यहां रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, ये हमारे पास ये आई है, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी कॉस एक्स स्क्वायर की जगह टी और एक्स डी एक्स, ये हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा 1/2 dt से। अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया, u इंटू वी के अकॉर्डिंग हम u इंटू वी लगाते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा u और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा v, 1/2 रहेगा एज इट इज, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। अब t का फंक्शन है तो हमारा ये सारा dt आएगा, जो फंक्शन जिससे इसका हो, जब एक्स का फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, अभी हमारा टी का फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। 1/2 इसको सॉल्व कीजिए, टी कॉस का इंटीग्रेशन, ये टी है यहाँ पे, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस टी का डेरिवेटिव 1 और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास साइन टी डीटी। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, 1/2 टी साइन टी माइनस 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस में सी। अब क्योंकि हमारा गिवन फंक्शन एक्स की फॉर्म में था तो अगेन इसे एक्स की फॉर्म में चेंज करना ना भूलें, टी को हम किससे रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर से, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अब ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन चाहें तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, बट अगर आप इतना छोड़ देंगे तो भी ये सही है। दोबारा देखिए हमने कैसे किया क्वेश्चन को, एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर था, सिंपल कॉस एक्स होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम डायरेक्ट भी कर लेते, बट इसमें कॉस भी एक्स स्क्वायर की टर्म थी, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, एक्स स्क्वायर को टी पुट किया और एक बहुत इजी क्वेश्चन बन गया हमारे पास टी कॉस टी की फॉर्म में। हमने यू इंटीग्रेशन वी का फॉर्मूला लगाया है और हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है, एंड में टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करना ना भूले। तो ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हर एक में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है सारे क्वेश्चंस में, ये आपको बार बार प्रैक्टिस से आएंगे। सेकंड क्या है आपके पास, लॉग 1+x² का इंटीग्रेशन करना है, इसको कैसे करें देखिए जरा, आई इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, लॉग 1+x² इंटू में 1। अगेन हम u इंटू v की बात करें, u as it is integration of v minus integration
डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, जो बेसिक्स थे उनमें कहा था. अगर आपके पास सेकंड फंक्शन दे ही नहीं रखा, ओनली फर्स्ट फंक्शन दे रखा है, तो आप सेकंड फंक्शन को वन मान लीजिए. तो यहाँ पे हमने सेकंड फंक्शन, इट मीन्स हमारे वी को हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, वन से रिप्लेस कर दिया. इसको आगे सॉल्व करते हैं हम. देखिए क्या है क्वेश्चन में, हमें आप इंटीग्रेशन करते हैं. लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, डेरिवेटिव करना है वन प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर का. तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स. और अगेन हमारे पास वन है तो वन का इंटीग्रेशन भी क्या है, एक्स डी एक्स. तो ये हमारे पास क्या आ गया है, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स को आगे ले लेते हैं, माइनस में टू कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वेयर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स. अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है. ये तो एज इट इज एक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर. इसका इंटीग्रेशन निकालने का बहुत ईजी मेथड क्या है हमारे पास, हम इसे वन प्लस कर देते हैं और वन माइनस कर देते हैं. अब ये अलग अलग हो गए, इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस में इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स. ये मेथड हमने पहले भी किया हो, ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वेयर था तो डिनोमिनेटर को देख के हमने क्या कर दिया, वन प्लस कर दिया, वन माइनस कर दिया. सारे के नीचे है तो हमने अलग अलग फंक्शन के नीचे, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वही कर दिया हमने. एक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस में, ये तो कैंसिल आउट वन हो गया और वन का इंटीग्रेशन एक्स, माइनस माइनस प्लस टू, और ये इंटीग्रेशन किसका होता है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स का. हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन. दोबारा से देख लीजिए क्या था, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर सेकेंड फंक्शन था ही नहीं, हमने यूनिटी को सेकेंड फंक्शन मान लिया और इंटीग्रेशन कर दिया. जब हम इंटीग्रेशन किया तो हम कहाँ पहुंच गए थे, एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर. तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने पुराने मेथड जो पिछले वाले सम्स में हमने काफी बार यूज किया, क्या किया, वन प्लस कर दिया और वन माइनस कर दिया, फिर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से उन्हें अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर दिया. वन आया, वन का इंटीग्रेशन एक्स और दिस इज वन अपॉन वन प्लस एक्स और इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स का. और ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री. अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि एक्स भी आ गया, फिर साइन एक्स भी आ गया, साइन टू एक्स भी आ गया और साइन थ्री एक्स भी आ गया. हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये आई हमने वन बाय टू और टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले फंक्शंस को. ये क्या बना दिया हमने, टू साइन थ्री एक्स और साइन टू एक्स डी एक्स. इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, एक्स साइन एक्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ये था टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी. तो ये क्या गया हमारे पास, वन बाय टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, कॉस एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स. इसको सिंप्लीफाई करें, वन बाय टू ये क्या बनेगा आपके पास, सबकी मल्टीप्लाई करें, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स, एक्स को छोड़ ही देते हैं साथ में, अंदर क्या बनेगा ये, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस फाइव एक्स, साथ में क्या है डी एक्स है. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, वन बाय टू की जगह हम क्या लेते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, वन बाय फोर. ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन अभी बन गया हमारे पास एक्स,
टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में टू साइन एक्स कॉस फाइव एक्स। अभी हमने इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है, हम अभी तो जस्ट इसको सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाए, क्योंकि फंक्शन इसी टाइप का है, वन टू थ्री फोर, चार बार मल्टीप्लाई दे दिया, तो किसे हम फर्स्ट फंक्शन माने किसे हम सेकंड फंक्शन माने, तो इसको हम सॉल्व करके टू की मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा, एक सेकेंड फंक्शन और देख लेते हैं क्या आता है, इसको अगेन सॉल्व करते हैं, वन बाय फोर एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन टू एक्स का, और इसको सॉल्व करें टू साइन ए कॉस बी, या फिर टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। देखिए क्या आएगा, वन बाय फोर इंटीग्रेशन में एक्स क्या बच गया, साइन टू एक्स माइनस में साइन सिक्स एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन फोर एक्स। ये अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब की इंटीग्रेशन हमें पता है, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या आने वाला है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक अल्जेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अल्जेब्रिक फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये सारा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। लेंथ ही बढ़ेगा, एक बार ऊपर देख लीजिए क्या है, बाद में इसको इरेज कर देती हैं। क्या था क्वेश्चन हमारे पास, x साइन x साइन टू x साइन थ्री x, इस फॉर्म में था, हमें पता है अब टू साइन a cos b वाले हमने चार फॉर्मूले किए हुए हैं, ऑब्वियसली हमें उनका यूज करना पड़ेगा, तो हमने वन टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, फॉर्मूला बन गया हमारे पास टू साइन a साइन b का, और वो फॉर्मूला लगा दिया है। अगेन साइन x बाहर था, उससे मल्टीप्लाई होने के बाद वो अगेन दो फॉर्मूलों में फिर डिवाइड हो गया, एक फॉर्मूला लगाया टू साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होता है साइन टू एक्स, और टू साइन टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला वो लगा दिया। जब इनको सिंप्लीफाई किया तो एक ऐसा फंक्शन आ गया, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो ये तो हमारा हो जाएगा u, और जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, जो बेसिक बताए थे उसमें फॉर्मूला बताया था, अगर दो फंक्शन है तो जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है इजीली निकल जाए, उसे हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो इस पूरे फंक्शन को क्या मानेंगे, हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा रिप्लेस होके किस में आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास वन बाय फोर इंटीग्रेशन एक्स इंटू में साइन टू एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स प्लस साइन फोर एक्स डी एक्स, ये यू, और बाकी रिमेनिंग सारा क्या हो गया है आपके पास वी। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स को यू मानते हैं, और बाकी सारा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यू और ये क्या है वी, वन बाय फोर यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ वी साइन टू एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स प्लस साइन फोर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ यू वी साइन टू एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स प्लस साइन फोर एक्स डी एक्स, और फिर सारे के साथ डी एक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या करेंगे, हम वन बाय फोर एक्स इंटीग्रेशन करते हैं वन बाय वन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, और वो डेरिवेटिव कहाँ जाता है डिनोमिनेटर में, अगेन साइन वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव माइनस, और अगेन माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस का डेरिवेटिव साइन को माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, प्लस माइनस के साइन का हम जरूर ध्यान रखेंगे, और साथ में जो एक्स की टर्म का डेरिवेटिव है उसे डिनोमिनेटर में ले जाना ना भूलें, माइनस में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे अंदर वाले टर्म का क्या आएगा, ये माइनस कॉस टू एक्स बाय टू प्लस कॉस सिक्स एक्स बाय सिक्स, और ये आ जाएगा माइनस कॉस फोर एक्स बाय फोर, और ये डी एक्स। अभी हमने इसका एक बार इंटीग्रेशन किया था, ये सेम टर्म थी, अब दोबारा इंटीग्रेशन देखिए, एक्स बाय फोर ये तो एज इट इज ही रहना है, कॉस टू एक्स बाय टू प्लस कॉस सिक्स एक्स बाय सिक्स,
माइनस कॉस 4x बाय 4 माइनस का साइन, इंटीग्रेशन करते हैं अंदर। साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में साइन 2x अपॉन में 2 तो है ही, और 2x का फिर डेरिवेटिव 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 प्लस कॉस क्या आ जाएगा, साइन 6x अपॉन में 6 जाएगा, 6 ऑलरेडी 6 6 जा 36 माइनस में साइन 4x और 4 4 जा 16 प्लस में सी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। x बाय 4 माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस कॉस 6x बाय 6 माइनस कॉस 4x बाय 4 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस माइनस 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 6x बाय 36 और माइनस माइनस प्लस साइन 4x बाय 16 प्लस में सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये x की मल्टीप्लाई सिर्फ इस फंक्शन के साथ है, आगे नहीं, और 1 बाय 4 की मल्टीप्लाई सारे के साथ है, ये चीज ध्यान रखिए। ये कंप्लीट ब्रैकेट, ये x की मल्टीप्लाई तो इसके साथ साथ है, सिर्फ 1 बाय 4 को बाहर रखिए, x की मल्टीप्लाई हमने सिर्फ इस टर्म के साथ करनी है। अगेन ये 1 बाय 4 और x की मल्टीप्लाई हम अपने रिमेनिंग टर्म के साथ करेंगे। 1 बाय 4 तो सबके साथ ही है, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन में पूरे में 1 बाय 4 बाहर था, 1 बाय 4 तो यहाँ पर जस्ट x की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट था, अच्छे से कर लेंगे। दोबारा देख लीजिए हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को, हमें एक फंक्शन दिया हुआ था x साइन x साइन 2x साइन 3x dx, हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन थे 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके, हमने साइन ए कॉस बी वाले जो चार फॉर्मूले हमने पहले करे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उनका यूज करके इस फंक्शन को यहाँ ले आए, इसमें चेंज कर लिया। अब ये फंक्शन ऐसा है x इंटू यू इंटू वी, और वी ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स। सिंपली इस फंक्शंस का 1 बाय 1 हमने इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और अगेन इंटीग्रेशन किया है, बट एक बार डबल इंटीग्रेशन होता है, हमें पता है v का यहाँ पे इंटीग्रेशन है, फिर एक और इंटीग्रेशन है, दोबारा इसका इंटीग्रेशन किया, बीच में माइनस का साइन है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। बस आपने ये जरूर ध्यान रखना था कि ये 1 बाय 4 है, इसके तो सारे से मल्टीप्लाई है, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, इस x की मल्टीप्लाई सिर्फ आपके फर्स्ट फंक्शन के साथ है। कैलकुलेशन में जितना आप बहुत ध्यान से करेंगे, मिस्टेक्स के चांसेस उतने कम होंगे, और एक बार मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन में वो फिर आपको ढूंढनी बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होके बिल्कुल करें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि लेंथ ही बहुत है सारे ही क्वेश्चन। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम टेंजेंट इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू t, कब टिपिकल सम है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर यहाँ पे dt बाय dx, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx की वैल्यू क्या आ जानी है, dt, और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, टेंजेंट t। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया हमने, टेंजेंट इनवर्स एक्स ये क्या है टी, एक्स स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या है, टेंजेंट टी, तो ये साथ में क्या बन गया है, टेंजेंट स्क्वेयर टी, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए टी इंटू टेंजेंट स्क्वेयर टी, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये सारा क्या बन गया आपके पास, डी टी। तो देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन था, और ये आपका किस फॉर्म में आ गया है, t इंटू टेंजेंट स्क्वेयर t dt। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को क्या था, इंटीग्रेशन x के टेंजेंट इनवर्स x 1 प्लस x के dx था, हमने टेंजेंट इनवर्स x को क्या माना, t, वहां से x की वैल्यू निकाले, इसको सिंप्लीफाई किया, और ये किस फॉर्म में आ गया है, u इंटू v की बहुत इजी फॉर्म में आ गया, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अल्जेब्रिक फंक्शन है, तो निकाल सकते हैं इसको। निकालने से पहले एक और कर लीजिए, टेंजेंट इनवर्स स्क्वेयर x को किसमें पुट कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वेयर टी माइनस 1 dt में, क्योंकि अब इंटीग्रेशन निकालना इजी हो जाएगा हमारे लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये अलग अलग हो जाएगा, टी सीकेंट स्क्वेयर टी
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ये यू इंटू वी से यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर टी डी टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाय टू। सॉल्व करते हैं, टी सीकेंट स्क्वेयर टी का इंटीग्रेशन, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर, तो सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी माइनस ये डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव टेंजेंट टी डी टी माइनस में टी स्क्वेयर बाय टू। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा, लॉग सीकेंट टी माइनस टी स्क्वेयर बाय टू प्लस सी। बाद में इसको दोबारा से रिप्लेस करना ना भूलें कि क्या आ जाएगा, टी को किससे रिप्लेस करेंगे हम, टेंजेंट इनवर्स एक्स से। टी को रिप्लेस किया हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स से, टेंजेंट टी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस में लॉग। सीकेंट टी को कैसे रिप्लेस करें, सीकेंट टी का फॉर्मूला सीकेंट स्क्वेयर टी किसके इक्वल होता है, वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर टी के। और अगर सिर्फ सीकेंट टी की वैल्यू करें अंडर द रूट वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर टी, और टेंजेंट स्क्वेयर टी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट टी की वैल्यू क्या है एक्स, तो ये क्या बनाया जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर, अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वेयर बाय टू प्लस में सी। तो ये क्वेश्चन था, निकल गया देखिए हमारे किसे कितना टिपिकल सम था, हमने उसे टी की फॉर्म में चेंज किया, यू इन टू वी का फॉर्मूला लगाया और इस तरह से इसको चेंज किया जिसका इंटीग्रेशन हमें इजी पड़े, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया सिंपली यू इन टू वी से। अब गिवन फंक्शन एक बार दोबारा देख लेते हैं सारे फंक्शन को, एक्स स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डीएक्स था, हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या माना टी, डेरिवेटिव किया डी टी की फॉर्म में आ गया, हमने सारे फंक्शन को किस में चेंज किया, टी की फॉर्म में चेंज कर लिया, टेंजेंट स्क्वेयर टी को किससे रिप्लेस कर दिया, सीकेंट स्क्वेयर टी माइनस टी वन से। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, टेंजेंट टी, बहुत इजी है, यू इंटू वी किया और सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन निकाला, टी का डेरिवेटिव वन ये टेंजेंट टी, टेंजेंट टी का डेरिवेटिव लॉग सीकेंट टी, दोबारा टी को एक्स की फॉर्म में रिप्लेस करना ना भूलें। कैसे रिप्लेस किया है, रिप्लेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा टी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स वो हमने रख दी, टेंजेंट टी की वैल्यू क्या थी एक्स वो भी आ गई है। अब सीकेंट टी की वैल्यू एक्स की फॉर्म में कैसे निकालें, हमने सीकेंट टी को टेंजेंट की फॉर्म में चेंज करना आता है, सीकेंट टी की वैल्यू क्या होती है वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर टी अंडर द रूट, और टेंजेंट टेंजेंट की वैल्यू क्या थी, टेंजेंट टी की वैल्यू क्या थी एक्स, तो टेंजेंट स्क्वेयर टी की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वेयर, तो ये किससे रिप्लेस हो गया वन प्लस एक्स स्क्वेयर से, माइनस टी की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वेयर बाय टू और प्लस में सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व किए कैसे करेंगे, तो जैसे हमें दिख रहा है कि फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, मतलब हम यहाँ पे हम कॉस थ्री एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम पुट करते हैं एक्स को कॉस टी, एक्स का डेरिवेटिव वन, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और फिर टी का डेरिवेटिव डी टी बाय टी एक्स, और यहाँ से डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस साइन टी डी टी, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी, और ये बन जाएगा माइनस साइन टी डी टी। हम इसको सॉल्व करें तो किसका फॉर्मूला हमारे पास कॉस थ्री टी का, कॉस इनवर्स कॉस थ्री टी माइनस साइन टी डी टी, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, माइनस को बाहर ले, थ्री भी कांस्टेंट टर्म है, अंदर क्या बचा टी साइन टी डी टी। अब यू इंटू वी का फॉर्मूला आ गया, हम इसको बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी,
जस्ट सिंप्लीफाई दैट, 3t cos का इंटीग्रेशन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, देन साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t, 1 डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस cos t, साथ में क्या आ जाएगा dt। और अगर इसको भी सिंप्लीफाई करें तो क्या बन गया, माइनस 3t cos t प्लस 3, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन t प्लस में c। t को किसकी फॉर्म में, t को क्या लिखेंगे हम, cos इनवर्स x को में चेंज कर देंगे, तो क्या बनेगा माइनस 3 cos इनवर्स x, और cos t की वैल्यू क्या है साथ में x प्लस में 3। अगेन वही साइन t की वैल्यू हम क्या निकालेंगे यहां से ही, देखो cos t को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर t, या फिर हम क्या लिख सकते हैं साइन t को क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वेयर t, और cos t की वैल्यू क्या पुट कर दें हम x, क्या आ गया 1 माइनस x स्क्वेयर। तो साइन t को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वेयर प्लस c। हमारा x की फॉर्म में क्वेश्चन था और x की फॉर्म में ही आंसर आ गया, तो देखिए किस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को निकाल दिया। दोबारा देख लीजिए सारे क्वेश्चन को, क्या था, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स 4x³ - 3x, एक्स को किससे रिप्लेस किया कॉस टी से, क्यों, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन हमें कॉस थ्री की फॉर्म में लिख रहा था, कॉस थ्री एक्स की फॉर्म में मिल रहा था, तो हमने क्या किया इसको कॉस थ्री टी बना दिया। डायरेवेटिव डीएक्स को भी टी की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, फॉर्मूला करा तो क्या बन गया हमारे पास टी साइन टी बन गया, वो हमने यू इंटीग्रेशन यू वी के इंटीग्रेशन से इजीली निकाल लिया। एंड में टी को एक्स की फॉर्म में लाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान लगाना है किसको हम किस फॉर्म में ले जाएं कि हमारा आंसर आ जाए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए कि हम इंटीग्रेशन बहुत इजी से लगा पाए उसका। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करें, पहले इनको अलग अलग कर ले फंक्शन को, डिनोमिनेटर सारे के अपॉन में है, तो x 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सिंप्लीफाई करें x को, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx, इसको चेंज करेंगे साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, और 1 माइनस कॉस x, कॉस नहीं होता साइन होता है, प्लस वाला कॉस में होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर x 2 साइन स्क्वेयर x बाय 2 dx, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, 1 बाय 2 तो बाहर निकालें x, साइन स्क्वेयर x क्या जाएगा हमारे पास, 1 बाय साइन स्क्वेयर x को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन एक्स बाय 2 से एक बार कैंसिल आउट, कॉस अपॉन साइन, ये क्या बन गया आपके पास कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स। तो अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं हमारे पास u इंटू v से, 1 बाय 2 बाहर कॉमन, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2 डी एक्स, और फिर सारे का क्या है डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को अभी हम एज इट इज रहने देते हैं, कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स को, इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बनेगा एक्स बाय 2, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर, तो कॉसिकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स बाय 2, और ये कांस्टेंट टर्म इसका यानी कि एक्स बाय 2 का कोफिशिएंट क्या है 1 बाय 2, और वो कहाँ गए हमारे पास डिनोमिनेटर में, माइनस में इंटीग्रेशन 1 बाय 2 है, यहाँ पे ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, पूरे के बाहर था तो 1 बाय 2, इसका डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस कॉट एक्स बाय 2, और x बाय 2 का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे 1 बाय 2, तो डिनोमिनेटर में dx, साथ में क्या है इंटीग्रेशन cot x बाय 2 dx। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा हमारे पास
टू से वन बाय टू, ये भी वन बाय, यहाँ पे टू है, ये मल्टीप्लाई में वन बाय टू है, कैंसिल आउट। माइनस एक्स कॉट एक्स बाय टू, ये भी वन बाय टू से वन बाय टू कैंसिल आउट। माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स बाय टू और माइनस, ये साथ में ये इसका इंटीग्रेशन किया, अभी एक इंटीग्रेशन और बाकी है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला इंटीग्रेशन रहता है, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन। माइनस में इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाय टू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए तो एक प्लस का इंटीग्रेशन और एक माइनस का इंटीग्रेशन, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस में कॉट एक्स बाय टू प्लस में सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हमने क्या किया, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स था, हमने इनको अलग अलग कर लिया, यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाया हमने, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू। वन माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू के, और अगर वन प्लस कॉस एक्स आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू के। यहाँ पे हमने साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाया, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, अगर यहीं पे एक्स है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। वन माइनस कॉस एक्स में अगेन कैंसिल आउट किया तो ये कॉट की फॉर्म में आ गया, और ये वन अपॉन साइन कहाँ चला गया, कोसिकेन स्क्वेयर की फॉर्म में। यहाँ जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है और ये आपने बहुत ध्यान से करना है, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये टू टाइम्स इंटीग्रेशन है, इसका ध्यान रहे। एक इंटीग्रेशन यहाँ पे भी था तो वो इंटीग्रेशन एक प्लस में है, वो टर्म को हमने माइनस वाले टर्म को एज इट इज रखा, माइनस वाले प्लस वाले इंटीग्रेशन की टर्म एज इट इज कैंसिल होगी और हमारा आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, किस फॉर्म में है हमारे पास, क्वेश्चंस में आएगी सब में एंड में यू इन टू वी की फॉर्म ही। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, इंटीग्रेशन ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये लेंथी क्वेश्चन है तो हम ये फॉर्मूले वगैरह डिलीट कर देते हैं क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है देखिए, इंटीग्रेशन ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर टू टाइम है, इसको अलग अलग लिख लीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वेयर और वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब हमने क्या पुट करना है, हमें आइडिया तो मिल रहा है, हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या पुट करना है, टी, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव करेंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सारी क्या आ जाएगी हमारे पास डी टी की। हम वैल्यू चेंज करें तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन हमारा आई इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, टी अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये सारा तो हमारा क्या बन गया है, डी टी, बट एक बार और रह रहा है वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हम यहां से ध्यान से देखें तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, टेंजेंट टी, तो वन प्लस एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर टी, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारी, सीकेंट स्क्वेयर टी के। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गया है सारी, सीकेंट स्क्वेयर टी, वन अपॉन सीकेंट स्क्वेयर टी किसके इक्वल होता है हमारा, कॉस स्क्वेयर टी के इक्वल, ये आ गया हमारा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें कॉस की पावर है ये दिक्कत करेगी, तो हम स्कोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई की पावर टी कॉस स्क्वेयर टी का फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू टी बाय टू डी टी, इनको अलग अलग कर लेते हैं, फर्स्ट वन क्या बनेगा, ई की पावर टी बाय टू डी टी, और नेक्स्ट वन बनेगा वन बाय टू इंटीग्रेशन ई की पावर टी कोस टू टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर टी प्लस वन बाय टू, इस सारे फंक्शन को हम मान लेते हैं आई वन, और आई वन क्यों मान लेते हैं, क्योंकि अगेन ये हमारा किसका फंक्शन है, यू इंटू वी का है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या है हमारे पास अब, इंटीग्रेशन ई की पावर टी कोस टू टी डी टी, इसे हमने क्या माना है आई वन, तो हम इसको सॉल्व करें, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस
इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2t dt। सॉल्व करेंगे e की पावर t कॉस 2t का इंटीग्रेशन माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन 2t अपॉन में क्या जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा e की पावर t साइन 2t बाय 2 dt। और सिंप्लीफाई करें तो इसको तो ये तो एज इट इज रहेगा, साइन 2t बाय 2 ये क्या बनेगा माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन e की पावर t साइन 2t dt। अगेन ये हमारा फंक्शन बन गया u इंटू वी को, इसको सॉल्व किया e की पावर t साइन 2t बाय 2 माइनस 1 बाय 2 यू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव तो यही रहना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt, साथ में क्या है dt। हमने दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है, ठीक है। अभी तो जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने नहीं लगाया बाय पार्ट्स, अभी जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ हमने लगाया दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, साइन 2t बाय 2 माइनस, इसको साथ साथ खोल लेते हैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस e की पावर t बाय 2 कॉस 2t और साथ में अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन e की पावर t। साइन वाले टर्म का हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ये बन जाएगा अपने पास कॉस 2t, ये तो माइनस माइनस प्लस है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा अपॉन में 2 dt। इसको सॉल्व करेंगे e की पावर t साइन 2t बाय 2 प्लस e की पावर t बाय 4 कॉस 2t माइनस 1 बाय 4 इंटीग्रेशन e की पावर t कॉस 2t dt। ध्यान से देखें तो दोबारा वही फंक्शन आ गया, और इसको हम क्या मान लेंगे आई वन। अभी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन रह गया है। आई वन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, e की पावर t साइन 2t बाय 2 प्लस e की पावर t कॉस 2t बाय 4 माइनस 1 बाय 4 आई वन। इसको वैल्यू पुट करते हैं, ये माइनस का 1 बाय 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 1 बाय 4 आई वन इक्वल टू e की पावर t साइन 2t बाय 2 प्लस e की पावर t कॉस 2t बाय 4। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, ये क्या बन गया आपके पास 5 बाय 4, बट हमें इसमें क्या वैल्यू निकालनी है आई वन की निकालनी है, 4 बाय 5 e की पावर t साइन 2t बाय 2 प्लस में 4 बाय 5 e की पावर t कॉस 2t बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन गया ये हमारे पास 2 बाय 5 e की पावर t साइन 2t प्लस में 1 बाय 5 e की पावर t कॉस 2t। ये आ गई हमारे पास i1 की वैल्यू। तब हम i1 की वैल्यू रिप्लेस करें 2 बाय 5 e की पावर t साइन 2t प्लस 1 बाय 5 e की पावर t कॉस 2t। इसको हमने क्या करना है रिप्लेस करना है, तो क्या बन गया ये 1 बाय 2 e की पावर t प्लस 1 बाय 5 e की पावर t साइन 2t प्लस में 1 बाय 10 e की पावर t कॉस 2t। ये हमारा क्वेश्चन, हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। अब हमने t को दोबारा रिप्लेस करना है टेंजेंट इनवर्स x में, ठीक है। दोबारा देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ वाला दोबारा समझ लीजिए किया क्या था हमने, हमने e की पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर x स्क्वायर था, दो टाइम्स था, इसको अलग अलग किया, टेंजेंट इनवर्स x को हमने t माना और सारे को हमने किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, t की फॉर्म में चेंज कर दिया। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना इजी नहीं था, इसीलिए हमने कॉस को किसके फॉर्म में चेंज कर दिया 1 प्लस कॉस 2t बाय 2। अलग अलग किया, दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट का फंक्शन इंटीग्रेशन है, ये u इंटू v का इंटीग्रेशन बन रहा था, तो
तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, आई वन नाम दे दिया। ये जो सिंप्लीफिकेशन है जो अब तक हम बाकी सारे क्वेश्चन में करते आए थे, यू इंटू वी से इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, आई वन निकाला, अगेन इंटीग्रेशन किया, फिर यू इंटू वी की फॉर्म आ गई, फिर इंटीग्रेशन किया, क्वेश्चन वाला इंटीग्रेशन आ गया तो उसको हमने आई वन से रिप्लेस कर दिया, और यहां से हमने एक इंटीग्रेशन आई वन की हमारी वैल्यू निकाल ली और वह वापिस पुट कर दी जहां हमने इसको आई वन अज्यूम किया था। आंसर हमारा निकल चुका है, जस्ट हमने इसको किसकी फॉर्म में चेंज करना है, एक्स की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम इसको एक्स की फॉर्म में चेंज करते हैं, देखिए जरा एक्स की फॉर्म में चेंज करते हैं, यहां लिख लेते हैं 1/2 ई की पावर टी प्लस 1/5 ई की पावर टी साइन 2t प्लस 1/10 ई की पावर टी कोस 2t प्लस में सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि सारा इंटीग्रेशन हो चुका है। बट हमारा जो क्या है, टी टेंजेंट के फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि हमने एक्स में निकालना है तो एक्स हमारा टेंजेंट के फॉर्म में है, तो हमें इनके फॉर्मूले जरूर लिखने हैं। 1/5 e की पावर t साइन 2t का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टेंजेंट t अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर t प्लस में 1/10 e की पावर t cos t का फॉर्मूला देखें तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t प्लस में c। रिप्लेस करें e की पावर t, t की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x, तो e की पावर टेंजेंट इनवर्स प्लस 1/5 ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट टी की वैल्यू, टेंजेंट टी की वैल्यू एक्स, तो ये क्या बन गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट टी की वैल्यू तो क्या आ रही है हमारे पास, x ही आ रही है, प्लस में 1/10 ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में। ज्यादा से ज्यादा अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इधर, प्लस में 1/2 ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स और कॉमन ले ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स इन दोनों में, तो क्या बनेगा ये 2x अपॉन में 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला 1 प्लस का होता है, ये फॉर्मूला 1 प्लस का होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से साइन 2t की वैल्यू क्या आती है, 2 टेंजेंट t अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t। हमने सिंपलीफाई किया, अब इसका एलसीएम निकाल के हम कर सकते हैं, देखिए क्या आएगा 1/2 e की पावर टेंजेंट इनवर्स x प्लस e की पावर टेंजेंट इनवर्स x। एलसीएम लेंगे 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा आपके पास 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो ये आपका क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन जरूर था बट इतना टिपिकल नहीं था। सिंपली हमने क्या किया, सारे फंक्शन को टी में चेंज किया, फिर एक इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया, वो अगेन हमारे पास दो बार इंटीग्रेशन हो गया, हमारे पास उसकी वैल्यू आई, हमने सॉल्व किया, वापिस उसको किस फॉर्म में चेंज किया जो हमने अज्यूम किया था उसकी जगह। कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए आपकी, वरना इससे आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगी। होप कि आपको आज के लेक्चर समझ में आए होंगे। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।